नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। मुरादनगर में पुलिस और एसओजी टीम द्वारा थाना क्षेत्र में चेकिंग चल रही थी, तभी बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस पर हमला कर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। इसी दौरान दो बदमाशों को गोली लगी और पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आपको ये जानकारी दे दें कि बदमाशों द्वारा चलाई गई गोली से एक आरक्षी भी घायल हुआ। फिलहाल गिरफ्तार अपराधियों के ऊपर एफआईआर दर्ज है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो मुरादनगर का एक पूरा मामला जहां पर बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में दो बदमाश पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। आज शाम को भी थोड़ी देर पहले ही थाना मुरादनगर क्षेत्र में पाइपलाइन रोड पर एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें दो शातिर बदमाश, जिसमें से कि एक प्रवीण गैंग का था और दूसरा राहुल काला का शूटर मोनू, ये दोनों के साथ मुठभेड़ हुई है। इन्होंने चेकिंग करके जब तलाशी ली जा रही थी, सूचना मिली थी हमको, तो उसके आधार पर जब इनकी चेकिंग की गई तो ये एकदम से भागे और एक स्कूटी थी इनके पास और इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जिसमें हमारे एक कांस्टेबल घायल हुए हैं और इन दोनों को भी पैर में गोली लगी है। और इन दोनों का काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, जिसमें कि मोनू बांदीपुर जो है इसके ऊपर मर्डर के और कई गैंगस्टर के मुकदमे भी हैं और दीपक के ऊपर भी कई लूट और चोरी के मुकदमे हैं। तो अब इसके बाद इनको इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। अमेठी जिले के खूंखार अपराधी और सपा नेता विजय श्याम यादव का एक और मामला सामने आया। विवाद के बाद सपा नेता ने खानपुर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और ड्राइवर पर जानलेवा हमला किया। आपको बता दें कि सपा नेता ने अवैध असलों से फायरिंग के बाद उन्हें पीटा और उनकी गाड़ी पर भी जमकर हमला बोल दिया। घटना के बाद पीड़ित ग्राम प्रधान ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी देते हुए कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि पुलिस ने धारा 307 समेत कई गंभीर धाराओं के साथ मुकदमा दर्ज कर लिया और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। तो अमेठी का एक पूरा मामला जहां पर सपा नेता विजय श्याम का एक और पूरा मामला सामने आया है, जहां पर सपा नेता विजय श्याम यादव ने विवाद खड़ा कर दिया है। ग्रेटर नोएडा के दादरी के मिहिर भोज कॉलेज में स्थित सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का 22 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनावरण किया था। खबरों के मुताबिक अनावरण के समय प्रतिमा पर गुर्जर शब्द न लिखने पर गुर्जर समाज ने विरोध जताया। साथ ही विपक्षियों पार्टियों ने भी सरकार पर सीधा निशाना साधा है और भाजपा नेताओं पर महापुरुष के अपमान का आरोप लगाया। आपको बता दें कि सपा और आजाद समाज पार्टी के नेताओं ने सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर लिखा गुर्जर शब्द और गंगा जल से प्रतिमा को स्नान कराया। वृंदावन में प्रसिद्ध भागवत प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य महाराज ने अपने 31वें जन्मदिन के मौके पर वृंदावन के सभी साधु संतों का सम्मान किया और साथ ही गरीब कन्याओं का विवाह कराने का जिम्मा भी उठाया। इस मौके पर ब्रज के गणमान्य संत महंत और महामंडलेश्वर मौजूद रहे। सभी ने प्रसिद्ध भागवत प्रवक्ता को बधाई और आशीर्वाद दी। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कहा है कि जिस भी कन्या के माता पिता चाहें वो उनकी पुत्री का विवाह धूमधाम से करने को तैयार हैं। वहीं उन्होंने अपने आश्रम के द्वारा गौरी गोपाल रसोई सभी भक्तगणों के लिए हमेशा ही खुली बताई है। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कहा कि कोई भी भक्तगण परिक्रमा मार्ग स्थित गौरी गोपाल रसोई पहुंचकर प्रसाद ग्रहण कर सकता है। आज दास अनिरुद्ध का जन्मदिन है, तो आशीर्वाद देने के लिए सभी संतों का आगमन हुआ है और आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ कि इसी प्रकार से सेवा होती रहे और माताओं की वृद्ध माओं की सेवा होती रहे, अन्य क्षेत्र की सेवा होती रहे। ये सभी संत लोगों का आगमन हुआ है और आप सभी का ये प्यार स्नेह कार्य किया है और संतों का यहाँ आगमन हुआ है। भागवत जी चल रही है, अष्टोत्तर चल रहा है, यहाँ 200 वृद्ध माताएं रहती हैं और गौरी गोपाल जी की रसोई चल रही है, जो निरंतर कोई भी आए कितने भी लोग आए सबको भोजन प्राप्त होता है। ये सारी सेवाएं आप सभी के स्नेह प्यार से चल रही है। आज हमने संकल्प लिया है कि जो भी गरीब परिवार की बेटियां वो यदि माँ बाप चाहें तो यहाँ आकर के और दुल्हा दुल्हन आए और ये दास अनिरुद्ध उनका कन्यादान करने के लिए तैयार है। जो भी बन पड़ेगा दान दक्षिणा देकर विदा करेंगे। आगरा के घटिया आजम खां चौराहे का नाम बदल दिया गया है।
आपको बता दें कि अब घटिया आजम खान चौराहे का नाम बदलकर हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय अशोक सिंगल के नाम से जाना जाएगा। ये प्रस्ताव नगर निगम की कार्यकारिणी में पास हुआ और आगरा के महापौर नवीन जैन ने इस खबर की पूरी पुष्टि की है। तो आगरा का एक पूरा मामला है। दरअसल आगरा के घटिया आजम खान चौराहे का नाम बदला गया है और इसका नाम अब अशोक सिंघल के नाम पर रखा गया है। नगर निगम की कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास हुआ। आज नगर निगम कार्य समिति की बैठक यहां पर संपन्न हुई है। उसमें पिछली कार्रवाई की पुष्टि सभी माननीय पार्षदगणों ने की है और कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित हुए हैं, जिसमें हमारे हिंदुओं के सबसे बड़े नेता डॉक्टर स्वर्गीय श्री अशोक सिंघल जी के नाम पर घटिया आजम खां का नाम बदलकर अशोक सिंघल जी का नाम से वह चौराया जाना जाए, उस मार्ग को जाना जाए, उसका प्रस्ताव पारित हुआ है। और अनेक और भी देवी राम जी जो हमारे जाटा महापंचायत के बहुत बड़े हमारे नेता थे, आगरा के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उनके नाम पर भी एक चौराहे का नामकरण किया गया है। और भी और प्रस्ताव हैं जो पारित किए गए हैं। मैं सभी हमारे माननीय पार्षदगणों का धन्यवाद करता हूं, अपने अधिकारियों का करता हूं कि सबने मिलकर आगे और आगरा शहर की जनता की सेवा करने का संकल्प लिया है। आगरा के मलपुरा इटौरा गांव के पास दो ट्रकों की भिड़ंत होने के बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई। आग धीरे धीरे इतनी फैल गई कि पास में खड़ी दो बाइक भी आग की चपेट में आ गई। राहगीरों ने ट्रकों में आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं आगरा की, जहां पर दो ट्रकों की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर में दोनों ट्रकों में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी और आग की लपटें इतनी ज्यादा तेज थी कि आसपास जो बाइकें खड़ी थी उनको भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं दो ट्रकों की आमने सामने की भिड़ंत हुई और भिड़ंत के बाद दोनों ट्रकों में भीषण आग लग गई। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल होता नजर आ रहा है। सीएम योगी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को अधिकारी लगातार कोस रहे हैं, क्योंकि इससे पटरी व्यवसायियों के लिए दुकानदारों के हालात बद से बदतर हो गए हैं। साथ ही गोरखपुर में लगभग 30,000 पटरी व्यवसायियों से सौतेला व्यवहार भी किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल होता साबित हो रहा है। दरअसल गोरखपुर में लगभग 30,000 जो पटरी व्यापारी हैं, वो इस प्रोजेक्ट से काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। पति और पत्नी के बीच एक मामूली विवाद के दौरान पति ने पत्नी की गर्दन पर वार कर दिया, जिससे पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी को मारने के बाद पति ने खुद भी सल्फास खा लिया, जिससे उसकी भी जान चली गई। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी है, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बरेली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मामूली कहासुनी में पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से हमला किया, जिससे पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद खुद पति ने भी जहर खा लिया और जान दे दी। थाना नवाबगंज के अंतर्गत पुलिस को सूचना प्राप्त हुई है कि सरफुद्दीन नाम के व्यक्ति के द्वारा अपनी ही पत्नी को बाके के द्वारा मार दिया गया है, हत्या की गई है उनकी। और इनकी शादी को लगभग 21 साल हो चुके थे और उसके बाद जो सरफुद्दीन नाम का जो व्यक्ति है अपनी पत्नी नफीसन को हत्या करने के बाद स्वयं भी उसने सल्फास खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिसको कि पुलिस के द्वारा PHC भेजा गया और वहाँ से PHC के माध्यम से हायर सेंटर को रेफर किया गया। पुलिस इसमें जो मृतका का शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। आज गल ले आई, आज दुकान पे गई, आज इसके घर बैठी, आज इसके घर बैठी और फिर कहिया आज घर में के लिए आके काट डालो, आगे बंका हम दे रहे हैं, इनने बंका दिया इनने सबने। और तीनों भैया ने मारा मेरी मम्मी के, एक ने गर्दन काटी, एक ने जो काटा। अच्छा, आपके पापा क्या नाम है? वो बाप ना, उसको बाप मत बोलो तुम।
सहारनपुर के सिटी कोतवाली क्षेत्र के नखासा बाजार में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर संघर्ष हो गया, जिसमें लगभग आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से गंभीर रूप से घायल हाजी अकरम को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बाकी घायलों को जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है और आपको बता दें कि ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। सहारनपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर दो पक्षों में मामूली कहासुनी के बाद विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसमें से एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में रामलीला आयोजन को अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि रामलीला का मंच खुले मैदान में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि रामलीला आयोजन की समृद्ध परंपरा रही है और नवरात्रि, दशहरा, दीपावली का त्यौहार भी नजदीक है। रामलीला कमेटियों ने तैयारियां शुरू कर दी। रामलीला मैदान की क्षमता के अनुरूप दर्शकों के शामिल होने की अनुमति भी दी जाएगी। तो सीएम ने ट्वीट करके शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि रामलीला के आयोजन को लेकर तमाम तैयारियां भी देखी जा सकती है, क्योंकि दिल्ली सरकार शहीद भगत सिंह की जयंती के मौके पर राजधानी के पब्लिक स्कूलों में नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के छात्रों को सक्रिय और प्रतिबद्ध नागरिक बनने में मदद करने के उद्देश्य से देशभक्ति करिकुलम लागू करने जा रही है। देशभक्ति पाठ्यक्रम छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से आज शाम 4:30 बजे लॉन्च किया जाएगा। स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम के जरिए बच्चों को देश के प्रति उनके कर्तव्य का एहसास कराया जाएगा। उन्हें ये बताया जाएगा कि हर बच्चे की देश के प्रति क्या जिम्मेदारी है। संबंध में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बच्चों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के मकसद से स्कूलों में पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है। ये करिकुलम बच्चों को देश के प्रति गर्व करने के लिए प्रेरित करेगा। बच्चों को देश की गौरव गाथाएं और देश की आजादी की गाथाएं सुनाई जाएंगी। गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में फिलहाल कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्र ही फिजिकल कक्षाओं में भाग ले रहे हैं। शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अभी के लिए स्कूल आ रहे कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। एक बार फिर स्कूल खुलने के बाद बाकी छात्रों को भी पाठ्यक्रम पढ़ाया जा सकता है। वहीं देश में अब बड़ी संख्या में जानलेवा कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18,000 से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं करीब करीब 180 लोगों की जान चली गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 26,030 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर अब 3,29,00,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं अब एक्टिव केस घटकर 2,92,000 से ज्यादा हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना के 3,36,00,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं, जिसमें अब तक कोरोना के 4,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कल एक दिन में 1,00,00,000 से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोजेस दी गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश को बधाई, हमने 1,00,00,000 और वैक्सीन की डोज लगाई है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कोरोना पर चोट किया है। 5वीं बार 1,00,00,000 से ज्यादा टीकों का रिकॉर्ड हासिल किया। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 86,00,00,000 को पार कर गया है। बता दें कि देश के सभी राज्यों की तुलना में दक्षिण राज्य यानी कि केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 11,000 से ज्यादा मामले देखे गए। वहीं 58 लोगों की जान चली गई। केरल में कुल 17,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं पिछले 24 घंटे में। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।